C2 साइकिल एक वेस्ट प्रोसेस होता है बिकॉज इसमें ATP और कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान होता है। कैसे होता है सब हम आज एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट इज कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वेस्ट होता है, और साथ साथ C2 साइकिल में एक ATP का मॉलिक्यूल भी वेस्ट होता है, वो कहाँ पे वेस्ट होता है, ये सब हमें समझना है। हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और myself मनीष कौशिक, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए C2 साइकिल फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन NCERT में नाम गिवन है, चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 11th क्लास का। और इसे C2 साइकिल क्यों बोलते हैं वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के लिए तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी लास्ट वीडियो जो थी C3 साइकिल की वो देख ली होगी। C2 साइकिल C3 साइकिल से कनेक्टेड है, जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो C3 साइकिल की वीडियो एक बार देख ले, ओके। तो C2 साइकिल समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी है वो समझनी होगी, और कहानी बहुत सिंपल है कि इस दुनिया में जब प्लांट्स बने थे तो पहले C3 साइकिल होती थी, C3 प्लांट्स थे। C3 प्लांट्स बहुत खुशी से अपनी जिंदगी काट रहे थे, C3 साइकिल चल रही थी, खाना बन रहा था। अब C3 साइकिल में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम था रोबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मींस रोबिस्को के पास दोनों पावर थी, कार्बोक्सिलेशन की भी और ऑक्सीजनेशन की भी। प्रॉब्लम कब आई, जब रोबिस्को एंजाइम ने धोखा देना शुरू किया। रोबिस्को जनरली कार्बोक्सिलेशन करता है तो खाना बन जाता है, लेकिन अगर रोबिस्को एंजाइम धोखा दे दे, वो कार्बोक्सिलेशन ना करके ऑक्सीजनेशन स्टार्ट कर दे, तो कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा और खाना नहीं बनेगा। तो रोबिस्को ने जैसे ही धोखा देना शुरू किया तो दिक्कत आनी शुरू हुई। C3 प्लांट्स में एक अलग पाथवे चलना शुरू हो गया, दैट इज C2 साइकिल। C2 साइकिल एक वेस्ट प्रोसेस होता है बिकॉज इसमें ATP और कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान होता है। कैसे होता है सब हम आज एक्सप्लेन करेंगे। रोबिस्को में जब ऑक्सीजनेशन होता है तो ही, रोबिस्को का जब ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ही C2 साइकिल चलती है, वरना C2 साइकिल नहीं चलती। इज इट ओके? मींस फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर है, C2 साइकिल इज द मेन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में C2 साइकिल चल सकती है, बट C4 प्लांट्स में C2 साइकिल नहीं चलती। अब C4 साइकिल भी पढ़ाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगी। आज के लिए हम फोटोरेस्पिरेशन C2 साइकिल पे ध्यान देंगे, ओके? तो सबसे पहला पॉइंट हम रेड पेन से टिक करते हैं। हाँ, तो C2 साइकिल इज द मेन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, बिकॉज C3 प्लांट्स में C2 साइकिल चलती है, फोटोरेस्पिरेशन होता है, बट C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन जैसा कोई भी प्रोसेस कभी भी नहीं होता, ओके? नेक्स्ट पॉइंट, इन C2 साइकिल फोटोरेस्पिरेशन देयर इज लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया रोबिस्को एंजाइम धोखा देता है, रोबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट एक्टिवेट होता है और ऑक्सीजनेशन स्टार्ट होता है, तो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ C3 साइकिल। मतलब C3 साइकिल में जो कार्बन यूज होना चाहिए था वो एक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल C2 साइकिल में ऑक्सीजनेशन होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाता है। इज इट ओके? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्वड। C2 साइकिल जो है वो होता मेसोफिल सेल में ही है, लेकिन C3 साइकिल मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में हो जाता है। C2 साइकिल ऐसा नहीं होता। C2 साइकिल में मेसोफिल सेल के 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। तो C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके? अब रोबिस्को एंजाइम पे कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों पावर होती है, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, और इन दोनों की कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में लड़ेंगे, और जिसकी कंसंट्रेशन, जिसका लेवल ज्यादा होगा वो रोबिस्को से बाइंड कर जाएगा। इज इट ओके? तो दिस कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो
रूबिस्को ऑक्सीजनेशन कराएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन कराएगा, एज सिंपल एज दैट। अब इंपॉर्टेंट, रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन ऑक्सीजन। रूबिस्को की जनरली एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रूबिस्को धोखा दे सकता है, वरना जनरली वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगा, कार्बोक्सिलेशन कराएगा, C3 साइकिल चलाता रहेगा और खाना बनता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स में रूबिस्को धोखा कब देता है? C3 प्लांट्स में रूबिस्को कब धोखा देगा, मीन C3 प्लांट्स में C2 साइकिल कब चल सकती है, उसके लिए ये चार कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो, या फिर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो ये चार कंडीशंस होती हैं। या तो ऑक्सीजन हाई हो जाए, या फिर CO2 का लेवल कम हो जाए, या लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इन चार कंडीशंस के अंडर रूबिस्को धोखा देगा, कार्बोक्सिलेशन साइट बंद कर देगा और ऑक्सीजनेशन साइट एक्टिवेट कर देगा और ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो होगा क्या? RuBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से मिला, रूबिस्को ने धोखा दिया, ऑक्सीजनेशन हुआ। अब C3 साइकिल में क्या होता था, यहां पे 5 कार्बन थे, यहां पे CO2 मिलता था, तो फिर 3PGA के 3-phosphoglyceric एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाते थे, क्योंकि यहां पे ओवरऑल 6 कार्बन अवेलेबल थे और यहां पे भी ओवरऑल 6 कार्बन हो गए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे 5 कार्बन है, यहां पे तो कोई कार्बन नहीं, तो ओवरऑल रिएक्टेंट में 5 ही कार्बन है, तो प्रोडक्ट में भी 5 ही होंगे, तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, लेकिन एक दूसरा मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसी 2 कार्बन के मॉलिक्यूल की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का नाम रखा गया C2 साइकिल। इज इट ओके? तो ये प्रोसेस होता है। अब पॉइंट इज कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वेस्ट होता है, और साथ साथ C2 साइकिल में एक ATP का मॉलिक्यूल भी वेस्ट होता है, वो कहां पे वेस्ट होता है, ये सब हमें समझना है। स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट, तो ये है आपकी C2 साइकिल। अब C2 साइकिल ना मैं समझाऊंगा पूरी, समझाने के बाद मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बता दूंगा, अब वो याद रखना, 1000% नीट का क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन आया, RuBP था ही। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2-2 मॉलिक्यूल से ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं 2 RuBP के मॉलिक्यूल से, मींस RuBP का मॉलिक्यूल होता है 5 कार्बन का, यहां पे हो गए 10 कार्बन, और 2 ऑक्सीजन आए एनवायरमेंट से। जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ, यहां पे रूबिस्को एंजाइम काम कर रहा होगा और रूबिस्को का ऑक्सीजनेस पार्ट एक्टिवेट होगा, तो प्रोडक्ट में बना 3PGA के 2 मॉलिक्यूल और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन का था, इसके 2 मॉलिक्यूल, 3-2 = 6 कार्बन इधर, 2-2 = 4 कार्बन इधर, 6 और 4 = 10 कार्बन, और यहां पे भी 5-2 = 10 कार्बन थे। इज इट ओके? अब इसी के साथ ये जो 10 कार्बन थे, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट थे 2 मॉलिक्यूल, अब इसमें आगे क्या होता है, इसमें 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, जब फॉस्फेट निकल गए तो क्या रह गया, ग्लाइकोलेट। भाई फॉस्फोग्लाइकोलेट में से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट थे, इन दोनों से फॉस्फेट निकल गए तो क्या रह गया, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट के। अब ये ग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल जाते हैं पेरोक्सीसोम में, कहां जाते हैं, पेरोक्सीसोम में, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, यहाँ पे वाटर की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मेनली ऑक्सीजन की, तो वो सब आपको इतना ज्यादा डेप्थ में याद नहीं रखना, हम नीट करना है, अभी हमें BSc MSc नहीं करनी, सिर्फ नीट करना है, CBSE करना है, तो जितना एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड पढ़ोगे सारा समेट नहीं पाओगे नीट वाले दिन, उससे भी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट थे, 2 कार्बन ग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हुए 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट में,
और ग्लायोक्सिलेट में फिर अमीनो ग्रुप मिलता है और वो कन्वर्ट होते हैं दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अगर याद हो तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन एक सिंपल अमीनो एसिड होता है सिर्फ दो कार्बन का, तो ग्लाइसिन बन गया दो मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पे देखो ग्लाइसिन दो कार्बन का है और टोटल ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल दो हैं, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? फोर कार्बन। अब ग्लाइसिन के जो चार कार्बन थे, ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट होता है सीरीन में। सीरीन इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड और जो कि होता है तीन कार्बन का। जब ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हुआ, यहां पे टोटल थे फोर कार्बन, यहां पे है टोटल थ्री कार्बन, तो मींस एक कार्बन का कहीं लॉस हुआ और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज हो जाती है। मींस ड्यूरिंग C2 साइकिल वन कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट एंड दैट वन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज लॉस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हुआ वो कहां पे हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसी दौरान यहां पे एक अमाइनो ग्रुप भी निकलता है और एक NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है, मींस थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, लेकिन इसका कोई मेजर रोल नहीं है क्योंकि ये एनर्जी आगे यूज भी हो जाएगी तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है। एक NADH बनता है, एक NADH यूज अप हो जाता है, इट इज नेट जीरो। हम वापस आते हैं सीरीन पे। अब सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से वापस जाता है कहां पे? पेरोक्सीजोम में। सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से कहां गया? पेरोक्सीजोम में। पेरोक्सीजोम में सीरीन जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, एक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, दिस इज अगेन ऑफ थ्री कार्बन, ठीक है। इस दौरान एक और NH2 ग्रुप निकलता है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, यहां पे जो NADH यहां पे बना था वो NADH यूज अप हो गया, तो नेट एनर्जी जीरो। ग्लिसरेट वापस गया क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में गया, और अब जब ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में आया तो यहां पे एक ATP यूज होता है, उसका फॉस्फेट इस ग्लिसरेट को मिलता है, तो ग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट में, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब मतलब ओवरऑल यहां पे एक ATP यूज हो गया। अब ये जो PGA है ये C3 साइकिल में जा सकता है और फिर RUBP दोबारा बन जाएगा, मतलब C3 साइकिल में जाएगा, फिर रीजनरेशन स्टेप से दोबारा से RUBP बना लिया जाएगा। वहां पे यही तो होता है C3 साइकिल में कि जो भी 3 PGA होता है उसका रीजनरेशन किया जाता है और दोबारा से RUBP बनाया जाता है, तो ये RUBP बन गया। अब ओवरऑल हम साइकिल को समझे तो हमें ये समझना है, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूं आपको येलो से, हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया और एक ATP का लॉस हो गया, विच इज वेरी वेस्टफुल प्रोसेस, बिकॉज प्लांट्स को एक कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए 400-500 वाटर के मॉलिक्यूल देने पड़ते हैं एनवायरनमेंट को। स्टोमेटा खुलता है, 400-500 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, उसके बदले एक CO2 नसीब होता है, और वो एक CO2 C2 साइकिल के थ्रू ऐसे ही वेस्ट हो गया, और बहुत मुश्किल से एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन में, और वो एक ATP का मॉलिक्यूल वेस्ट हो गया, और ऊपर से खाना भी नहीं बना, ग्लूकोज भी नहीं बना, दैट्स व्हाई C2 साइकिल इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो आज तक इसका बहुत क्लियर रीजन नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन का कोई यूज भी है या नहीं है, आज तक कोई यूजफुल पॉइंट इसका मिला नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट C2 साइकिल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा C2 साइकिल के बारे में। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो C2 साइकिल इज अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, नो ATP और NADPH फॉर्मेशन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है और एक ATP भी यूज हो जाता है, मींस वेस्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई C2 साइकिल इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। इसके बाद हमें स्टार्ट करनी है C4 साइकिल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा C4 साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।